अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो आपने जरूर देखी होगी और इसलिए आप यहाँ पर आए हैं, क्योंकि सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी का टॉपिक ऐसा है जो कि बहुत ज्यादा अहम है और समझ भी कम कम ही आता है। तो आज हम उसी चीज को देखेंगे और समझेंगे कि सेंसिटिविटी किसको कहते हैं और स्पेसिफिसिटी का असल में क्या मतलब होता है। तो मशीन लर्निंग की हम एग्जाम्पल उठाकर इसको लेकर चलेंगे, और अगर आपने पिछली वीडियोज नहीं देखी तो आपको ये वीडियो समझ में बिल्कुल नहीं आएगी। इसलिए बेहतर ये है कि पिछली वीडियो जाकर हमारे पास दो जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, तीन मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, वो जरूर देखें, फिर आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। ठीक है, चले हम शुरू करते हैं ये वाला आज का कॉन्सेप्ट। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि हमारे पास कंफ्यूजन मैट्रिक्स होता है, और अगर आप अभी भी यहीं पर हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, पिछली वीडियो जाएं पीछे, जो हमारे पास कंफ्यूजन मैट्रिक्स की, क्रॉस वैलिडेशन की और एक मशीन लर्निंग के फंडामेंटल की पहली वीडियो है, उसको जाके जरूर देखें ताकि आपको समझ में आए कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी इसकी कि कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव क्या होता है। सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी इसी में से हम समझेंगे, और क्योंकि उसकी डेफिनेशन इसी में से निकल कर आई है। सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, जो उसकी डेफिनेशन है वो ये है कि व्हाट इज एक्चुअली द परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स विद हार्ट डिजीज आर करेक्टली आइडेंटिफाइड। ठीक है, तो सेंसिटिविटी मुझे ये बताएगा कि मुझे वो रेशियो चाहिए या वो परसेंटेज चाहिए उन मरीजों की या उन लोगों की जिनको हार्ट डिजीज है और वो सही से आइडेंटिफाई भी कर रहा है हमारा मॉडल। ठीक है, तो मैंने ये वाला जो हिस्सा हाईलाइट किया हुआ है और ये वाला अभी फिलहाल मैंने कर दिया उसको फेड, वो इसलिए किया क्योंकि हमारा जो मेन सेंसिटिविटी का कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है, वो इसी से है। क्योंकि हम इस वक्त ये देख रहे हैं कि डिजीज है हमारे पास एक्चुअली, तो इसलिए मेरे पास ये चीज, ये वाला कॉलम हो रहा है। और जब हम इसका फॉर्मूला देखेंगे उसमें भी क्या होगा, ट्रू पॉजिटिव, यानी कि असल में मेरे पास जो मरीज है उसको डिजीज है, और उसको डिवाइड कर देंगे जो असल जो पॉजिटिव वैल्यूज है, ठीक है, और जिनको हमने गलत आइडेंटिफाई किया कि वो डिजीज नहीं है जबकि डिजीज है। ठीक है, तो ये मेरे पास सेंसिटिविटी का फॉर्मूला हो गया। और स्पेसिफिसिटी किसको कहते हैं, स्पेसिफिसिटी असल में वो होता है कि वो पेशेंट की तादाद, परसेंटेज, जिनको असल में हार्ट डिजीज नहीं है वो करेक्टली हम बताएं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली बिल्कुल दिल तंदुरुस्त है उन लोगों का, तो हमने उसकी रेशियो या उसकी परसेंटेज बतानी है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि फॉल्स पॉजिटिव को हम जमा कर देंगे ट्रू नेगेटिव के साथ, और असल में ऊपर हम ट्रू नेगेटिव लिखेंगे, क्योंकि जो असली इन्फॉर्मेशन है, जो मेन इन्फॉर्मेशन है, वो हमें हमेशा ऊपर न्यूमिरेटर में लिखनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया फॉर्मूलाज, और यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि स्पेसिफिसिटी असल में हमें क्या बताना चाहता है और सेंसिटिविटी हमें क्या बताना चाहता है। अब हम इस तरह करते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने कहा था लॉजिस्टिक रिग्रेशन और रैंडम फॉरेस्ट जो है वो आपस में थोड़ा सा कंपेरेबल्स थे, हम ऐसा करते हैं इनकी स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी चेक करते हैं और फिर देखते हैं कि इनमें से बेहतर कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर अगर यहाँ नंबर फिगर नजर नहीं आ रहा तो अब आपको नजर आ जाएगा कि 112 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम इस तरह करते हैं, रैंडम फॉरेस्ट को लेते हैं और यहाँ पे हम सबसे पहले चेक करते हैं सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का फॉर्मूला ये 142 हम प्लग करते हैं ट्रू पॉजिटिव की जगह, और 142 + 29 जब हम न्यूमिनेटर में लिखेंगे, सॉरी डिनोमिनेटर में लिखेंगे, तो मेरे पास आ जाएगा 0.83। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो मॉडल है रैंडम फॉरेस्ट, ये 83% मुझे सही इंफॉर्मेशन बता रहा है उन लोगों की जिनको असल में हार्ट डिजीज है। ठीक है, अब स्पेसिफिसिटी की तरफ चले जाते हैं, इसको जब हम प्लग इन करते हैं वैल्यूज, तो यहाँ पर भी मेरे पास 0.83 आ रहा है, और आपने मुझे ये बताना है कि यहाँ पर एक ऑपरेटर है वो मिसिंग है, वो कौन सा ऑपरेटर मिसिंग है। ठीक है, तो ये भी मुझे ये बता रहा है कि 83% मुझे रैंडम फॉरेस्ट सही बता रहा है कि मेरे पास जो लोग हैं वो बिल्कुल सही हैं, और उनको सही तरीके से बता रहा है कि उनको बीमारी दिल की नहीं है। ठीक है, अब हम उसकी तरफ चल जाता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन की तरफ, वही वाला काम हम इसके साथ करते हैं। पहले हम सेंसिटिविटी चेक कर लेते हैं, यहाँ पर 0.81 आ रहा है, तो ये 81% ऑफ द टाइम्स हमें क्या बता रहा है ये मुझे जरूर बताएं, और ये स्पेसिफिसिटी 85% ऑफ द टाइम मुझे क्या बता रहा है ये भी मुझे जरूर बताएं। ठीक है, अब मैंने ये दोनों चीजें निकाल ली हैं और अब मुझे इनको कंपेयर करना है। अब मैंने आमने सामने रख लिया कि इसका सेंसिटिविटी का स्कोर ये है और इसका सेंसिटिविटी का स्कोर ये है, तो पहले हम सेंसिटिविटी को देखते हैं। सेंसिटिविटी यहाँ पे मुझे ये बता रही है कि 0.83
83% ऑफ द चांसेस जिन लोगों को बीमारी है, जिन लोगों को हार्ट डिजीज है खुदा ना खास्ता, वो सही तरीके से ही प्रिडिक्ट कर रहे हैं मेरा मॉडल। और सेंसिटिविटी मुझे बता रहा है 81, यानी कि सेंसिटिविटी के केस में जब मुझे ये बताना है कि सही तरीके से बीमारी प्रिडिक्ट हो रही है तो रैंडम फॉरेस्ट बेहतर है। स्पेसिफिसिटी को अगर मैं देखूँ तो ये 83 है और यहाँ पर 85% है। तो अगर मुझे नेगेटिव्स बताने हैं, यानी कि असल में मुझे हेल्दी लोगों को प्रिडिक्ट करना है, तो यहाँ पर लॉजिस्टिक रिग्रेशन बेहतर है। अब ये आप पर होगा कि आपका मॉडल बनाने का मेन मकसद क्या है। अगर आप ये बताना चाहते हो कि ज्यादा अच्छे तरीके से डिटेक्ट कर सके वो बीमार लोगों को, तो रैंडम फॉरेस्ट होगा। अगर आप ये बताना चाहते हो कि ज्यादा अच्छे तरीके से डिटेक्ट कर सके उन लोगों को जो बीमार नहीं है, तो हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगा सकते हैं इस केस में। ठीक है, तो ये हमने अपनी रिसर्च पर, अपने क्वेश्चन पर डिपेंड करते हुए बताना होता है कि हम चाहते क्या हैं, और उस हवाले से फिर हम मॉडल पिक करते हैं। अब बात आती है कि अगर हमने जैसे पीछे एग्जांपल में बात की थी कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स सिर्फ 2x2 का नहीं होता, 3x3 का भी होता है और बहुत ज्यादा और भी पॉसिबिलिटीज होती हैं। इस केस में सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी जो है वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस तरह निकालेंगे। फॉर्मूला बताने की जरूरत नहीं है, आपने मुझे वर्डिंग में टेक्निक बतानी है कि कोई टेक्निक ऐसी है जिससे हम इसका स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी निकाल सकें। कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन यहाँ पर अप्रोच क्या होगी वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। ठीक है, और उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगली वीडियो में मजीद इसके माइन्यूट कॉन्सेप्ट के साथ जो फंडामेंटल्स हैं मशीन लर्निंग के मिलते हैं, ताकि जब हम उसको एग्जीक्यूट कर सकें, ताकि हम और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएं और मजीद हमें अच्छे तरीके से समझ आ सके। ठीक है, अगली वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज़।